So it's confirmed. Someone's definitely stolen a Null Void projector. All this high-tech equipment and you guys couldn't afford a burglar alarm? Psst, what were you guys thinking? The Plumbers have the absolute finest security systems on the planet. There's no way anything could have escaped this room without one of these keys. Who says anything's escaped? तो गाइस हमारे प्लम्बर बेस में चोरी हो चुकी है और हमारा चोरी हुआ नल वॉइड प्रोजेक्टर। नल वॉइड प्रोजेक्टर चोरी किसने किया हमें अब ये पता लगाना है। हो सकता है वो विलकैक्स का कोई बंदा चोरी करने आया हो, या हो सकता है वो घोस्टफ्रीक, और कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता चलाना है। ये देखो विलकैक्स के और घोस्टफ्रीक के सारे विलन्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब शक हमारा किस पर जाए, इसीलिए मुझे इस लेवल को क्लियर करना होगा पता लगाने के लिए कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है। इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई अंदर कैसे आ गया। ये देखो कितने सारे ममीज और विलकैक्स के ड्रोन कितने सारे यहाँ पर मौजूद हैं। इन सबको मैं हरा कर पता करूँगा कि आखिर ये चोरी किसने की है। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। तो अभी इस लेवल से पहले मैंने हैक्स को हराया था, जो हैक्स के अंदर घुसा हुआ था। घोस्टफ्रीक हैक्स के जिस्म पर कब्जा करके आया था मुझसे लड़ने, जिसको मैंने सिर्फ 2 मिनट में हरा दिया। खैर मैं आ चुका हूँ आगे। यहाँ पर लेज़र वाली पजल है तो ठीक है। ओ यार टकरा गया इससे मैं, शिट। मुझे बहुत बचकर जाना पड़ेगा यहाँ से। अब यहाँ से जा सकते हैं बैन। अरे नीचे उछलना नहीं है बस। ओह यार थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। और ये मैंने पार कर ली लेज़र वाली पजल, और अब मुझे यहाँ से जाना है ऊपर। ठीक है तो ये मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद क्या पजल है वो मुझे जाकर बटन दबाना है, तो ये बटन जाकर फ़ौरन से दबा देता हूँ। मैं इस बटन के पास आ चुका हूँ और ये बटन मैंने दबा दिया। इस बटन से ये क्या हुआ, ये पंखे चलना रुक गए, पंखे चलना बंद हो गए ये। ठीक है तो अब पंखे चलाने के बाद, बंद करने के बाद मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद जो कि बहुत सारे विलन्स आ चुके हैं, भेड़िए है, देखो यहाँ पर कितने सारे। इन सबको ख़त्म करूँ ऐसी की तैसी इन लोगों की। सालो मेरे रास्ते में आओगे तुम लोग और मैं तुम्हें आने दूंगा अपने रास्ते में, वो भी बिल्कुल ऐसे ही। तो इन सबको ख़त्म किया और यहाँ पर जंप आ चुका है ऊपर, जिस जंप से मैं चला जाऊँगा ऊपर उड़ के। तो यहाँ पर फिर एक और जंप है जिससे उड़ के मुझे ऊपर जाना चाहिए। ठीक है तो ऊपर आ चुका हूँ दोनों जंपों से उड़कर। ये क्या है, DNA बूस्ट। ठीक है तो हम चलते हैं आगे बिंदास। और यहाँ पर एक गोल गोल एक लिफ्ट सी जो कि पहले भी ऊपर जाती है, और बहुत सारे दुश्मन इस पर भी लोड हो चुके हैं जिनको अभी से ख़त्म कर दिया मैंने। ये लो ममीज तुम लोगों की ऐसी की तैसी। तो ठीक है लिफ्ट रुक गई है और यहाँ से छोटा एलियन जा सकता है, जो कि जा सकता है बैन ही यहाँ से जा सकता है, और तो कोई नहीं जा सकता। तो बैन आ चुका है यहाँ पर बार। यहाँ पर बार क्या है, अरे एक मिनट, यहाँ पर ऊपर चढ़ने वाली पजल है। ठीक है तो यहाँ से हीट ब्लास्ट यहाँ पर चढ़ सकता है ऊपर। और एक मिनट यार, ये नाक लग रहा है मुझे किसी का। कहीं मैं मिस्र में तो नहीं आ गया जहाँ पर मुजस्मे बने होते हैं। और ये देखो नाक भी मैंने तोड़ डाला। सालो मज़ा आ रहा है तुम्हें। हीट ब्लास्ट की गाइस पावर देखो, कितनी सारी पावर है इसके पास। अपनी सारी पावर यूज़ कर रहा है हीट ब्लास्ट अपनी इन सबको ख़त्म करने में। अरे ये मुझ पर फेंक कौन रहा है, ये कहाँ से आ रहे हैं। ये मम्मी फेंक रहा है मुझ पर। साले रुको थोड़ी सी हेल्थ लेते हैं हमने ट्रिक्स की। तो अब तुझे बताएगा हीट ब्लास्ट कि तूने किससे पंगा लिया है। ये ले, तो मर चुका है। ये तूफान आ गया था, बवंडर आ गया था। खैर अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर मुझे ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा। ये देखो इसकी आँखें, मैंने कहा था ना ये मुजस्मे पूरे मिस्र की तरह, जिस तरह मिस्र में मुजस्मे होते हैं उसी तरह यहाँ पर बने हुए हैं। तो अब मुझे जाना है इस फट्टे के ऊपर। ठीक है ये क्या चढ़ पाएगा हीट ब्लास्ट के, नहीं। तो मैं चढ़ के देखता हूँ। और ये मैं चढ़ चुका हूँ यहाँ पर। यहाँ पर चढ़ने के बाद मैं आ चुका हूँ यहाँ पर दूसरे मुजस्मे के ऊपर। ये क्या गेट है, नहीं ये इसका ताज है सर का। तो ये पत्थर मुझे घसीट के ले जाना है आगे। घसीट के ले जाकर इस पर खड़े होकर मुझे वो सामने वाली सीढ़ी पर चढ़ना होगा। तो ठीक है, अब हम बैन बन के इस पर खड़े हो जाते हैं। सही पोजीशन में हमने पत्थर लगा दिया, तो अब हीट ब्लास्ट बन के हमें यहाँ पर चढ़ जाना चाहिए। यहाँ पर काम है वाइल्ड वाइन का। ठीक है, यहाँ पर ये रस्सी झूलेगा, क्रैपल करेगा, उछल क्यों नहीं रहा, ये कर क्या आ रहा है यार। तो ये हमारा वाइल्ड वाइन अब झूल रहा है, और ये मैं दूसरी बार मैं जाने लगा हूँ और पहुँच गया मैं दूसरे मुजस्मे के ऊपर। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं आ चुका हूँ तीसरे मुजस्मे के ऊपर। इसके नाक के अंदर जा सकता हूँ क्या? अरे नहीं, और यहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा और ऊपर, और ऊपर यहाँ से हीट ब्लास्ट ही जा सकता है। अगर वाइल्ड वाइन को ले जाऊँ तो वो कोई गड़बड़ी ना कर दे, इसीलिए मुझे हीट ब्लास्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस पर मुझे बहुत भरोसा है क्योंकि ये चढ़ सकता है बहुत ही आसानी से हर जगह पर। तो अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मुझे वाइल्ड वाइन की। जल्दी से वाइल्ड वाइन को बुला लेते हैं। यहाँ पर क्रैपल करेगा वो, ये मैंने क्रैपल कर दिया। ये दूसरी बार में मैं जाने लगा हूँ, यहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अरे गिरना नहीं। ये भी एक मुजस्मा है जिस पर मैं जा रहा हूँ, और ये मुझे क्या मिल गया? ब्लू ब्लू सा लगता है, इससे मेरी लाइफ कम नहीं होगी। खैर, अब हम चलते हैं आगे। अरे 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 यार, मैं संभल नहीं पा रहा। इसके नाक पे चढ़ा हूँ, और नहीं, इसके नाक से मैं नीचे ना गिर जाऊँ। अगर इसके नाक से यार, हाँ ये ठीक है, आ चुका हूँ आगे। और यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन मेरे आ चुके हैं। देखो, वुल्फ भी आ चुके हैं और ममीज भी आ चुके हैं बहुत सारे। सालो, तुम लोग मेरे रास्ते में आओगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लो, मुजस्मे पे इन सबको ख़त्म किया। और यहाँ से देखो गाइस, कितने सारे और आ गए दूसरे कलर के भेड़िए। ओ यार, मेरी लाइफ कम कर दी। मुझे इनसे बचना पड़ेगा। अगर मैं इसके नाक के अंदर घुस जाऊँ तो नहीं, मैं नहीं घुस पा रहा यहाँ पर। और इन सबको ख़त्म करना चाहिए मुझे। वो देखो मम्मी जो कि मुझ पर ये फेंक रहा है बहुत सारे लट्टू वाले पत्थर। इसको ख़त्म करूँ ऐसी की तैसी इसकी। ये ले, तो ख़त्म हो चुका है मुझे लगता है। अभी आगे जाने का ऑप्शन आ चुका है, मैं जा सकता हूँ। वो सामने हमें जो दरवाज़ा दिख रहा है उससे मैं अंदर जा सकता हूँ इस मुजस्मे के। इस दरवाज़े को मुझे तोड़ना पड़ेगा। हाँ, इस दरवाज़े को हम तोड़ देते हैं। तो ये दरवाज़ा हमने तोड़ दिया। अब हम आ चुके हैं मुजस्मे के अंदर। यहाँ पर एक लेज़र वाली पजल है जो कि मुझे अंदर जाकर सॉल्व करनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आ चुके हैं विक्टर साहिब। देखो, डॉक्टर विक्टर आ चुका है यहाँ पर, जो कि घोस्टफ्रीक का ही साथी है। हमने बेन 10 कार्टून्स में भी देखा था कि ये कितना डरावना होता है, और ओमनीवर्स में तो और ख़तरनाक होता है। ये हमारे पास एलियन भी आ चुका होता है वैसे, लेकिन बहुत ख़तरनाक है ये। इसमें मेरा 4 आर्म्स इसको छोड़ेगा नहीं, इसको ख़त्म कर देगा बिल्कुल ही। ये साथ दे रहा है घोस्टफ्रीक का नल वॉइड प्रोजेक्टर स्टील करने में। कोई बात नहीं, वो तो मैं हासिल करके रहूँगा। ओ, ये कौन मार रहा है? और देखो कितने सारे डॉक्टर विक्टर के क्लोन घूम रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारे क्लोन्स हैं उसके, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी उससे फाइट करूंगा। और आगे लेवल्स में ये क्लोन्स उसके आ ही जाएंगे मेरे रास्ते में रुकावट डालने के लिए। थोड़ी सी लाइफ रह गई यार मेरी, और लाइफ मैंने दोबारा ले ली। ये मर क्यों नहीं रहा? अब मरेगा ये, क्योंकि इसे मैंने मारा ही। अब है तो अभी मरेगा। तो लेज़र हट चुकी है यहाँ से। अब मुझे यहाँ पर कैनन बोल्ट बन जाना चाहिए। कैनन बोल्ट बनने के बाद मैंने एक बत्ती फोड़ दी। मुझे लगता है मुझे सारी बत्तियां फोड़नी चाहिए ये वाली, ताकि मैं इस टेक्नोलॉजी का कुछ इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन क्या, ये तो मुझे बत्तियां फोड़ने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइस, यहाँ पर कैनन बोल्ट में कन्वर्ट हो चुका हूँ दोबारा। और ये देखो, ये सारे बटन्स हैं जिन्हें मैंने दबा दिया। वहाँ वाले बटन्स रह गए, और ये वाले हमने भी बटन्स दबाकर बत्तियाँ सारी फोड़ दी। सिर्फ एक बत्ती रह गई जिसे मुझे फोड़ना है, और ये वाली भी हमने फोड़ दी है। तो यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को हमने कर दिया ख़राब, जिसकी वजह से हमारा खुल चुका है अगला गेट। तो हम अब चले जाते हैं अपने गेट की तरफ, इससे पहले कि वो दोबारा बंद हो जाए। फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी इसीलिए। मैं इस गेट की तरफ बढ़ता हूँ। गेट की तरफ बढ़ने के बाद यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन आ चुके हैं मेरे, जो कि मेरे रास्ते में रुकावट बहुत डालते हैं यार। ये रुकावट इनसे तो मैं तंग आ गया हूँ, क्या करूँ मैं। जो भी विलन होता है उसके जितने भी चमचे होते हैं हर बार मेरे रास्ते में रुकावट डालते हैं वो। जितनी भी गेम्स का गाइस मैंने एंड कराया है ना, एलियन फोर्स हो गई, अल्टीमेट एलियन, कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन हो गई, एक्सेनोड्रोम हो गई, वेंजेंस ऑफ गैलेक्स और कई गेम्स जिसमें इनके चमचे आकर मुझे बहुत परेशान करते हैं, लेकिन मैं उनको जम के पीटता हूँ, किसी को भी नहीं छोड़ता मैं। तो इस आखिरी वाले को ख़त्म करने के बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ से आगे आ चुका हूँ और आगे बहुत सारे दुश्मन खड़े हैं, देखो कितने सारे हैं। इन सब को मैंने ख़त्म कर दिया, सिर्फ 2 ममीज़ रह गए, इनको भी हम कर देते हैं ख़त्म, और ना आ जाए यहाँ से। इनको ख़त्म करने के बाद यार बहुत सारे आ चुके हैं, देखो एक मम्मी और निकल आया है जिसको मैं अब करता हूँ दोबारा। तो अब हमारा गेट खुल चुका है अगला, ठीक है हम चले जाते हैं अगले गेट की तरफ। तो यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन फिर आ चुके हैं यार, मुझे लगता है ये लेवल का एंड है, क्योंकि एंड में इतने सारे दुश्मन आते हैं। कोई बात नहीं, एंड करा देते हैं इस लेवल का अभी के अभी। और लाल पावर मुझे मिल चुकी है। यहाँ पर विक्टर बहुत सारे आ चुके हैं यार, विक्टर के आते ही मेरी लाल पावर ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। कोई बात नहीं, कितने सारे विक्टर्स ने गाइस मुझे घेर लिया। तुम लोगों की ऐसी की तैसी, ये ले बच्चों की तरह इन्हें पीटूंगा, इन सब विक्टर्स को जितने भी आएंगे उनको बच्चों की तरह मैं पीटूंगा। तो ये ले विक्टर, और ये भेड़िया रह गया, इसको भी मैंने कर दिया ख़त्म। एक भेड़िया रह गया सिर्फ एक, जिसको हमने कर दिया ख़त्म, और मेरा लेवल हो चुका है ये क्लियर। तो अब हम आ चुके हैं प्लम्बर बेस के बिल्कुल सेंटर में। यहाँ से वो नल वॉइड प्रोजेक्टर चोरी हुआ है, वैसे वो नल वॉइड प्रोजेक्टर का करेंगे क्या वो लोग, तो बाहर हैं। हो सकता है वो कोई बड़ा कोई कारनामा करें उससे, लेकिन क्या इसका मतलब वो बहुत बड़ा पोर्टल क्रिएट करने वाले हैं, बहुत बड़ा वो धमाका करने वाले हैं। कोई बात नहीं, मैं भी तैयार हूँ उनके लिए। ग्रैंडपा के पास उनकी लोकेशन है इस गैजेट के अंदर। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।